सो मैं तुहानू यही कहना चाहुंदा वां कि लोकां दे मुद्दे और जिहड़ी राजा बड़ेंगे गल कह के गए अच्छे, मैं मोहित महिंद्रा नूं और तुहानू सारयां नूं कहूंगा, अज पंजाब सब तो वड्डी चुनौती जिहड़ी की आ अपनी एग्जिस्टेंस की आ, अपनी आइडेंटिटी की आ, कि साडे नौजवान बच्चे पहली गल तां वो विदेशां नूं भज गए ने, सारे पिंडां दे पिंड खाली हो गए ने। ताइयों मैं बिल पेश कीता जिहड़ा मेरा बिल प्रवान नहीं कर रहे अबोकर पार्टी, क्योंकि इन्हां दी सरकार दिल्लियों चलदी, वो नहीं चाहते कि इत्थे गैर पंजाबियों नूं थोड़ा जिहा रेगुलेट किया जाए। मैं मनाही नहीं कर रहा किसी, मैं कहना कि हिमाचल राजस्थान और गुजरात की तर्ज से इतने इदा का लॉ होना चाहिए कि जिहड़ा भी आण के आदमी मालिक बनना चाहता, वोटर बनना चाहता, आ शर्तां पूरियां करे। तुसीं जाके हिमाचल जमीन नहीं खरीद सकते, वोटर नहीं बन सकते। और अच्छा सी वो जो वाई एस परमार, उन्हों का 1972 चीफ मिनिस्टर से हिमाचल का, देखो कि दूरअंदेशी से उन्हें अपने हिमाचल हिमाचलियों की आइडेंटिटी होंद बचा ली। छोटे छोटे बाग से कुछ कुछ बिग्या के, जो वह बिल ना लैके आता दिल्ली के बॉम्बे के कैलकटा के अमीर आदमियों ने सारे उन्होंने बाग खरीद जाने से। दिस इज कॉल्ड विजनरी पॉलिटिक्स, दिस इज कॉल्ड स्टेट्समैनशिप। पंजाब के अच्छ लोड़ है। अच्छा, जेडे बच्चे चले गए विदेशों, भज गए मिडल ईस्ट चले गए, गरीब आदमी जेडे अमीर से वह जमीना बेच बेच के कैनेडा से अमेरिका से वैसटन यूरोपियन वर्ल्ड में चले गए, तो जेडे बेचारे इतने रह गए वह नशे के शिकार हो गए। रोज़ बच्चे मर रहे हैं, लड़कियां, कल तो एड्डी एक वीडियो आ रही थी दुखदाई के एक लड़की शायद पिंजरे में कैद की हुई सी, तो चिट्टा मंग रही है लड़की, और तुम देख रहे हो ओवरडोज ला ला के नौजवान, कोई कितने डिग्या पाया, कोई कितने डिग्या पाया, कोई दिन नहीं बीतता जेदे ना ओवरडोज नाल। सो आई वुड सजेस्ट टू द यूथ कांग्रेसशिप, यूथ कांग्रेस लीडरशिप एंड द केडर्स एंड ऑल ऑफ यू जेडे तुसी इलेक्ट होए हो, लै कल्ला एक नुकता चक लो ड्रग्स का, तो एक नाल चक लो, जोड़ लो पंजाब के नौजवानों के पंजाब की आइडेंटिटी ते होंद दा, वो ताइयों बचूगी जे पहला आपां नशियां तो बच्चों हटा सकांगे जिंदगी च, ते दूसरा जिहड़ा है आपां विदेशां च जाण तो लोकां नूं मोटीवेट करके। इत्थे यारो जिहड़े इत्थे गैर पंजाबी आए आ उन्होंने फॉर्चून रखिया हुई ने, उन्होंने ये कंडीशन वड्डे वड्डियां कोठियां पिंडां च पाईआं, साडे इलाके दे विच मेरे पिंड विच कोई ठेकेदारी करन लग गया, कोई 300-400 किले की वाही करन लग गया, तो इतने आपां अपनियां जमीनां बेच बेच के सारा पंजाब जिहड़ा उधर नूं चल गया। सो मैं ज़्यादा समा नहीं लैणा, मैं भी एक भोग ते जाणा वां, तां करके मैं बाजवा साहब तो और सारी समुची लीडरशिप तो माफ़ी मंगदा। तो मैं तुहानूं यही कहूँगा कि यूथ का एक 1-point चार्टर फाइट अगेंस्ट ड्रग्स, इनू लैके सारे जिलों सारे जिथे ड्रग्स ना मौतां होंदियां उत्थे पहुँचो, उन्होंने कुछ मदद करो, कुछ उन्होंने समझाओ, जिन्ना बहुत कुछ चेंज किया जा सकता, बहुत कुछ थोड़े थोड़े एफर्ट्स के नाल उन्हें बदलिया जा सकता। तो मैं अपनी हड्डबीती तुहानूं सुनाई आ, हुण हंकार ना समझो, चंगा नहीं लगता, मैं उस परमात्मा वाहिगुरु तो ईश्वर तो डर के कहना, मैं 6 इलेक्शन लड़िया, मैं कभी दिल्ली टिकट लैन नहीं गया, कभी भी। इतों की साबित होंदा कि अगर तुम जिंदगी जमीन पर काम कर रहे हो, अपने आप तुहानूं पार्टी लभ के नॉमीनेट करती है, तो टिकट देती है। इस तरह का बनने का उपराला करो। तुहाडा सारिआं दा बहुत बहुत धन्यवाद, प्यार नाल फतेह प्रवान करनी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन्यवाद जी।